Ladies and gentlemen, Michael Jordan. माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल की हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर रहे हैं। जब भी हम बास्केटबॉल की बात करते हैं, सबसे पहला नाम जो हमारे ध्यान में आता है वो माइकल जॉर्डन का आता है। लेकिन लाइफ में ये जितने कामयाब हुए हैं, उनकी जिंदगी उतनी ही उतार चढ़ाव से भरी थी। 17 फरवरी 1963 में इनका जन्म हुआ। माइकल के पिता माइकल को शुरू से ही स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने माइकल को बास्केटबॉल खेलने के लिए मोटिवेट करना शुरू कर दिया। वो अपने भाई के साथ बास्केटबॉल खेलने लगे और उनके भाई लैरी ने उनको उस गेम में हरा दिया। इस हार को माइकल ने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया और अपने आप को बास्केटबॉल का बेहतरीन प्लेयर बनाने के लिए मेहनत शुरू कर दी और रोज प्रैक्टिस करने लगे ताकि वो अगले गेम में अपने भाई को हरा सके। एक इंटरव्यू के दौरान माइकल से पूछा गया तो उन्होंने सारा श्रेय अपने भाई को ही दिया। कुछ समय बाद जब वो हाई स्कूल गए तो उन्हें बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि उनकी हाइट कम थी। ये बात जानकर वो थोड़ा हताश हुए, लेकिन इस हार को उन्होंने अपनी मोटिवेशन बनाया और टीम में सिलेक्ट होने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने लगे। प्रैक्टिस के लिए वो सुबह सबसे पहले आते थे और शाम को सबके जाने के बाद भी प्रैक्टिस करते रहते थे, और इसी हार्डवर्क की वजह से वो अपने हाई स्कूल टीम में सिलेक्ट हो गए। 1982 में नेशनल कॉलेज एथलेटिक एसोसिएशन चैंपियनशिप में उन्होंने जीत हासिल की। 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक यूएस बास्केटबॉल टीम में वो कैप्टन बने और एक बार फिर जीत गए, और उसी साल उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ ही शिकागो बुल्स टीम ज्वाइन कर ली, और माइकल के टीम ज्वाइन करते ही वो टीम बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। 1984-85 में हर मैच में उन्होंने 28 पॉइंट्स का स्कोर बनाया। उन्होंने अपनी टीम को 1990 से 1993 तक हर मैच में सफलता दिलाई। माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे पहले एथलेटिक प्लेयर बने। माइकल जॉर्डन के नाम पर सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी नाइकी के एयर जॉर्डन नाम के शूज भी आते हैं। वो नाइकी, कोका कोला और मैकडॉनल्ड्स जैसे बड़े ब्रांड को प्रमोट भी कर चुके हैं। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल कमाल जिंदगी के साथ। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।